वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका अमित श्रीवास्तव। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि आपके व्यूज और सब्सक्राइबर कम क्यों हो रहे हैं। एग्जैक्टली इसके पीछे का रीजन मैं आपको दो पार्ट में बताऊंगा। पहला पार्ट होगा सब्सक्राइबर कम हो रहा है और उसको रोके कैसे और वापस कैसे लेके आए, और सेकेंड पॉइंट होगा जो व्यूज हमारे कम हो रहे हैं उसको वापस कैसे ले आए। तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो अपने इस दोस्त का सपोर्ट करो, बेल आइकन को जरूर दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो हम आगे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि आपके सब्सक्राइबर कम क्यों हो रहे हैं। यूट्यूब आपके सब्सक्राइबर को आप जब रात में सोने जाते हो तो आपके पास 340 सब्सक्राइबर समझ लो है, और जब सुबह उठ के देखते हो तो आपके पास 260 270 सब्सक्राइबर पड़े हुए हैं। बाकी सब्सक्राइबर कहाँ गए? और ऐसा कंटिन्यू हो रहा है और बहुत लोगों के साथ हो रहा है, छोटे यूट्यूबर है उनके साथ भी, जो बड़े यूट्यूबर है उनके साथ भी। इसके पीछे का सिंगल रीजन है जो यूट्यूब ने बोला है कि अगर आपके पास जो भी इनएक्टिव जीमेल अकाउंट से सब्सक्राइबर ऐड है उन सबको धीरे धीरे करके यूट्यूब उनको रिमूव कर देगा। बिल्कुल सही सुना आपने, अगर आपके पास सब्सक्राइबर इनएक्टिव है, इनएक्टिव का मतलब कि वो बस आपको सब्सक्राइब कर लिया उसके बाद उनका चैनल बंद हो गया, उस चैनल से कोई जीमेल अकाउंट नहीं चलता है, कोई मैसेज नहीं जाता है और वो डेड पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस तरह के सब्सक्राइबर को YouTube रिमूव कर रहा है डे बाय डे, और हर किसी का कर रहा है। तो इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि आपके सब्सक्राइबर कंटिन्यू कम होते जाएंगे। और आप पूछोगे तो फिर इससे रोका कैसे जाए, इससे बचाव कैसे किया जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे आपका सब्सक्राइबर जो कम हो रहा है उसको मैनेज किया जाए। तो मैनेज करना कैसे है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बना के बताया था कि आप सब्सक्राइबर जेन्युइन एक्टिव सब्सक्राइबर कैसे लेके आओगे, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप वीडियो देखो, मैं ऊपर जो कार्ड है कार्ड पे आप जाके क्लिक करके देख सकते हो, वहां पे मैं लगा चुका हूं कि आप अपने सब्सक्राइबर एक्टिव सब्सक्राइबर फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आप अपने चैनल पे लेके आओगे। तो ये रहा आपका, आप अपने एक्टिव सब्सक्राइबर को कैसे लेके आओगे। और जो आपके इन एक्टिव सब्सक्राइबर है जो जा रहे हैं उसको ना आप रोक सकते हो, ना मैं रोक सकता हूं, ना कोई रोक सकता है। इसलिए नहीं रुक सकता है क्योंकि वो इनएक्टिव है और यूट्यूब का जो एसईओ है वो उस चीज को पकड़ लिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसने पकड़ लिया है कि आपके पास इतने सब्सक्राइबर है जिसमें से ये सब्सक्राइबर इनएक्टिव है, जो कि ना आपकी वीडियो को वॉच करते हैं, ना उस पर कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं, किसी तरह की एक्टिविटी उस पर्टिकुलर आईडी से आपके चैनल पे नहीं आ रहा है। हम सेकेंड पार्ट जो हमारा होने वाला है वो है व्यूज, लेकिन थर्ड एक और पार्ट में बीच में ऐड कर रहा हूं जो कि लास्ट में बताऊंगा। अगर उसको आपने देख लिया तो आपके सब्सक्राइबर और व्यू सिर्फ और सिर्फ प्लस में जाएंगे, माइनस में नहीं होंगे। तो मैं आपको बताता हूं सेकेंड ऑप्शन, व्यूज आपके जो कम हो रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना है। एक्चुअली क्या है कि आप अपने मोबाइल से कंटिन्यू 2, 4, 10, 15, 20, 25, 30 व्यूज लेके आते हो। आप क्या करते हो व्यूज बढ़ाने के लिए? आप अपने मोबाइल से, अपने फैमिली के मोबाइल से, हर किसी के मोबाइल से अपने चैनल को वॉच करते हो। फैमिली मेंबर के मोबाइल से, फ्रेंड्स के मोबाइल से आप अपने वीडियो को वॉच करो, उनको बोलो देखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंटिन्यू बार बार आपके वीडियो को हर 5 मिनट, हर 10 मिनट पे अगर प्ले किया जाता है तो यूट्यूब उसको स्पैम समझता है, और सीटीआर जो आपका होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, और यूट्यूब वहां पे जब चेक करता है तो देखता है कि एक ही आईपी एड्रेस से, एक ही आईडी से कंटिन्यू एक ही वीडियो को चलाया जा रहा है। तो वहां पे आपके जितने भी व्यूज बड़े होते हैं वो सारे के सारे कम कर देता है एक ही बार में। तो दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि चैनल डेड होने का रीजन यही होता है कि जब तक हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, ठीक है, तब तक हम क्या करते हैं, अपने वीडियो को शेयर करते हैं, दोस्तों के साथ बांटते हैं, देखते हैं, गलत नहीं है। लेकिन बार बार अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली मेंबर में अपने एक ही वीडियो को भेजना, उनको बोलना कि बार बार वॉच करो, वॉच करो, वॉच करो, इससे क्या होता है आपका चैनल पे व्यूज तो बढ़ जाते हैं, आपके चैनल मोनेटाइज तक भी पहुंच जाता है, खिच खाच का पहुंचा देते हो। लेकिन जैसे चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद मुझे पता है कि आप बिल्कुल वीडियो शेयर नहीं करोगे। वीडियो जब आप शेयर नहीं करोगे फैमिली मेंबर में, ना उनके मोबाइल से देखोगे, क्योंकि अगर ये गलती किए तब पहले यूट्यूब आपके व्यूज हटाते थे, यहां से आपका चैनल ही हट जाएगा, चैनल ही डिलीट और सस्पेंड कर देता है यूट्यूब मोनेटाइजेशन के बाद। अपने मोबाइल से, फैमिली मेंबर के मोबाइल से, या अगल बगल रहने वाले आपके लोग के मोबाइल से कंटिन्यू अपने वीडियो को देखते हो, अपने एड्स को देखते हो, स्किप करते हो, देखते हो, तो आपका चैनल डिसेबल हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं यही बोलूंगा उस सिचुएशन पे क्या होगा कि आपका चैनल हो जाएगा डेड। और जब चैनल डेड हो जाता है तो उसको ग्रो करने में कितना टाइम लगता है ये आप अभी नहीं समझ पाओ। जेन्युइन सब्सक्राइबर अपने चैनल पे लेके आओ, चाहे 1 साल लगे या 2 साल लगे, ठीक है, एक्टिव सब्सक्राइबर होने चाहिए। आप अगर किसी को सब्सक्राइब करते हो
तो उसके चैनल पे जो वीडियो है उसको देखो, एटलीस्ट 2 मिनट देखो, और जो आपके वीडियो को देखता है और सब्सक्राइब करता है तो उसको भी बोलो कि एटलीस्ट 2 मिनट वो भी आपके वीडियो पे देखे। तो ये तीसरा पॉइंट था कि आपको दूसरे के वीडियो को 2 मिनट देखने के बाद सब्सक्राइब करना है, और अपने वीडियो को भी सामने वाले को 2 मिनट देखने के लिए बोलना है, देन उसके बाद आप दोनों एक्टिव सब्सक्राइबर होंगे, और वो सब्सक्राइबर और वो व्यू आपके चैनल से कभी नहीं हटेंगे। तो ये रहा आज का इंफॉर्मेशन। अगर आप एक गलती करते हो तो करना छोड़ दो। फिर मैं मिलूंगा एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।